देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तब उसके पुराने क्वेश्चन पेपर को देखना तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यूबीपीसीएस 2021 प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम 2019 के प्री परीक्षा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। सभी प्रश्न पूरी व्याख्या के साथ हैं और फॉर द अपकमिंग एग्जाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान ये दोस्तों आपको मिलेगा मैसूर में, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ये कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर में स्थित है और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। संस्थान के 5 क्षेत्रीय केंद्र 15 भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी कि CIIL ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भूमि क्षरण तटस्थता का जो लक्ष्य है ये भारत प्राप्त करेगा 2030 तक, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 13 सितंबर 2019 को COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सदस्य देश इस बात पर राजी हुए हैं कि 2030 तक के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत भूमि की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए टिकाऊ विकास को हासिल करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु ये किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दालों के साथ। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु ये फलीदार पौधों जिसमें दलहनी फसलें आती हैं कि जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिट्टी में या पौधों की जड़ों में मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैसों को ठोस नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं और पौधे इसे मिट्टी से उपयोग कर पाते हैं। तो याद रखना कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होते हैं ये दलहनी फसलों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम या टैल्क? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जिप्सम में मिलता है आपको कैल्शियम। जिप्सम का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट, तो इसमें कैल्शियम पहले से दिया गया है। यह विशेषतः ऊसर भूमि और शुष्क भागों में मिलती है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये तो गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी को भी देख लेते हैं क्योंकि बाकी भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए, लिथियम बाइकार्बोनेट इसे गठिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है, और दुधिया मैग्नीशिया ये प्रति अम्ल होता है, पेट में जब आपके एसिडिटी हो जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं, बल्कि जब आप पुराने जमाने में जब फोटो डेवलप होते थे फोटोग्राफी में यह जो द्रव है ये प्रयोग में लाया जाता था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। वर्तमान में टेक्नोलॉजी बदल गई है, जब रील का जमाना हुआ करता था तब की बात है ये, जब सिल्वर ब्रोमाइड बहुतायत में प्रयोग में लाया जाता था। सुपोषण इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, और दूसरा कथन है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो दोस्तों, सुपोषण क्या है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ये भी सही है और दूसरा विकल्प भी सही है। तो यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन जल निकाय का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई एक तालाब है उसमें जलीय जीव रहते हैं, तो इसमें किसी भी कारण से हो सकता है कि बाहर से नाले का पानी आकर मिल रहा हो या कोई अन्य कारण हो, इसमें अगर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होता है, इसमें जलकुंभी, सिवार और अन्य तमाम प्रकार के जो पौधे होते हैं जलीय पौधे वो उगाते हैं और वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन का पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें जो पानी रहता है उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन उसमें कम हो जाता है और इसके अंदर जो जीव पाए जाते हैं
इस सिस्टम में वो मरने लगते हैं। इस पूरी घटना को जो है सुपोषण की घटना कहा जाता है। इसमें जलीय, इसमें क्या होता है कि जलीय पारिस्थितिकी में संदूषण होता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी घटनाएं जिसमें जिसके द्वारा पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने लगती है वो भी जलीय जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए चार विकल्प हैं ए बी सी और डी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ध्रुव दो हो गए, ऊपर हो गया आपका नॉर्थ पोल, नीचे हो गया आपका साउथ पोल। तो जब आप ऊपर की ओर जाएंगे फ्रेंड्स क्रमशः, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जातीय विविधता में वृद्धि होती है, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारा सही नहीं है, यानी कि विकल्प ए को हम आंसर करेंगे। बाकी विकल्प भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। तो जहाँ पर जलवायु थोड़ी सी गर्म होती है वहाँ पर ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा जो जैव विविधता होती है वो अधिक होती है, यानी कि ये विकल्प यहाँ पर सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है। और जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, तो ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो विकल्प ए होगा जो कि गलत है, और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान और वर्षा में कमी आ जाती है और पादपों तथा जीवों में विकास के लिए जलवायु अधिक उपयोगी नहीं रहती है। परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता एक क्रम से कम होती जाती है। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। UPPCS का यह एक फेवरेट क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको रटा हुआ होना चाहिए, और इसका उत्तर होगा लाइकेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगर एग्जाम में आया कि लाइकेंस पार्क कहाँ पर बनाया गया है तब इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में, मुनस्यारी में, इसको मुनस्यारी भी कहते हैं, मुनस्यारी में उत्तराखंड बना है भारत का पहला लाइकेंस पार्क। तो लाइकेंस की वृद्धि पर सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का फर्क पड़ता है, अतः ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में ये बिल्कुल जाके विलुप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिया गया है। यहाँ पर आपको जो कूट दिया जाता है उसमें ए बी सी और डी आपको विकल्प दिए जाएंगे। ए में कहा जाएगा कि अगर यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है, तब आप उत्तर ए लिखें। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, तब आप बी को उत्तर दें। कथन और कारण में से कथन गलत है, कारण सही है, तब आप उत्तर सी लिखें। और कथन और कारण में से अगर कथन जो है गलत है, कारण सही है, सॉरी कारण गलत है, कथन सही है, तब आप उत्तर डी लिखिए। इस प्रकार से कूट आपको दिए जाते हैं। तो कथन है कि मानव विकास सूचकांक SDI और सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर कथन जो है और कारण दोनों ही सही हैं, कारण कथन की पूरी व्याख्या कर रहा है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए। तो मानव विकास सूचकांक 2017 आपको याद होगा उसमें केरल शीर्ष स्थान पर रहा था, और सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक में भी केरल टॉप पर रहा था, तो इसमें धनात्मक संबंध पाया गया। सतत विकास के लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता से जुड़े हैं, और स्पष्ट है कि कथन कारण की पूरी व्याख्या करता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या सम्मिलित होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प डी हमारा आंसर होगा। दोस्तों बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी उन्मूलन एवं मानव विकास पहल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 जारी किया गया था, जिसके अनुसार भारत पिछले 10 वर्षों में निर्धनता दर 55% से घटकर भारत में ये 28% पर आ गई है। क्या भारत में निर्धनता दर पिछले 10 वर्षों में। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आपको बहुत मिलेंगे, तो ध्यान से देखिए। और ये जो चारों यहाँ पर टर्म दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया था, जैव विविधता अधिनियम ये कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी, इनको जो है कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मैं आपको बताता हूँ,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1972 में। उसके एक साल के बाद आया था प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि 1973 में। फिर आया था 1992 में प्रोजेक्ट हाथी और जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ 2002 में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर विकल्प चयन मतलब विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर का चयन कर लेना है जो कि ऑप्शन बी है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र, अब ये वक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा यू आकार का, इस प्रकार का, ऑप्शन ए आपका सही है। और ये टर्म जरूर याद रखना आप, कुजनेट्स वक्र, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कुजनेट्स कर्व। ये साइमन कुजनेट्स के सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है। ये वक्र आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच एक उल्टे यू आकार का संबंध है। इसके अनुसार कोई देश जब विकास करता है तो बाजार की ताकतों द्वारा संचालित आर्थिक असमानता का एक प्राकृतिक चक्र उत्पन्न हो जाता है। आरंभिक चरण में असमानता में वृद्धि दिखाई देती है और फिर एक निश्चित औसत आय के बाद यह कम होने लगती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम पर कैपिटा और इनइक्वलिटी, तो इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है यहाँ पर इनइक्वलिटी भी क्रमशः बढ़ती जा रही है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि वह वापस लौटना स्टार्ट कर देती है। तो आरंभिक चरण में असमानता में वृद्धि आपको दिखाई देगी, फिर एक निश्चित औसत आय के बाद, ये जो निश्चित यहाँ पर आय है उसके बाद फिर ये कम होना शुरू हो जाती है। तो यह वक्र यह प्रदर्शित करता है कि जब आर्थिक विकास शुरू होता है तो कुछ लोग ही आय वृद्धि से लाभान्वित होते हैं, इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ आय के वितरण में विषमता कम होने लगती है, जिसके कारण यह उल्टे यू का आकार बन जाता है। इस प्रकार का ग्राफ इस पर बनता है। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनिमय, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी होगा। एक दो तीन तीनों यहाँ पर सही हैं, एक दो और तीन, तो तीनों यहाँ पर सही हैं, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। भारत में पट्टेदारी सुधार के संदर्भ में सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारों को प्रत्यक्ष भू स्वामित्व प्रदान करना, लगान का नियमन और यह सुधार नीति आयोग द्वारा गठित हक कमेटी 2016 के आधार पर किए गए हैं। हक कमेटी 2016। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? अब देखो तीन कथन दिए गए हैं, एक दो और तीन, कौन कौन से सही है आपको बताना है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी आवश्यकता पर विशेष ध्यान देगी, सही है। 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया बनेगी, ये भी सही है। तो विकल्प ए दो और तीन तीनों सही हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण से खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा को प्रदान करना है। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? टेलीग्राफिक पठार, अब ये प्रश्न बिल्कुल आपको रट लेना है, याद रखना कि टेलीग्राफिक पठार जो है ये उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ठीक है। तो विकल्प ए इसका आपको रटा हुआ होना चाहिए, उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है टेलीग्राफिक पठार। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दक्षिण में लगभग 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट मध्य महासागरीय कटक चौड़ा हो जाता है। यहाँ यह टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है क्योंकि समुद्र में टेलीग्राफ की तीरें सबसे पहले यहीं पर डाली गई थी। अब यहाँ पर देखिए सूची ए को सूची दो से सुमेलित करना था और मैंने आपको यहाँ पर सुमेलित नाम पहले ही दे दिए हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम विली विलीज, टैफू, बगुइयो और करीलैम, यहाँ पर है फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो विली विलीज का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। करीलैम का संबंध है यूएसए से। बगुइयो ये जो तूफान आता है ये कहाँ पर आता है? ये आता है फिलीपींस में और टैफू आता है जापान में। तो इस प्रकार से आप जो इसका उत्तर है उसको आप देख लेंगे, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया, टैफू जापान, वगुइयो फिलीपींस और करीलैम यूएसए से संबंधित है।
निम्नलिखित में कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी है, इसको ट्रांस साइबेरियन कहेंगे आप, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा कजान, ओस्मक, सोची और चिंता में से विकल्प सी यानी कि सोची। तो फ्रेंड्स सोची रूस का एक शहर है जो काला सागर के निकट स्थित है, यहाँ से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग नहीं जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, अब यहाँ पर देखो जो पहला विकल्प उसमें पवन के नाम दिए गए हैं, दूसरा संबंधित देश है, सांता आना, हबूब, यामो और मिस्ट्रल, तो यहाँ ये पौने हैं और इनका संबंध किन किन देशों से ये आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो फ्रेंड्स कौन सा सुमिलित नहीं है ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्ट्रल सुमिलित नहीं है। मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस में सर्दियों में चलने वाली हवा है, मिस्ट्रल, बाकी सब यहाँ पर सही हैं। सांता आना कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में, यामो जापान में बहने वाली पवन है, मिस्ट्रल का संबंध फ्रांस से है। अब यहाँ पर देखिए सूची एक को सूची दो से सुमिलित करिए, तलचिर, कर्णपुरा, सिंगरौली और सिंगरेनी ये कोयला से संबंधित हैं, इनकी अवस्थित कहाँ पर है, कोयला क्षेत्र है ये, तलचिर, कर्णपुरा, सिंगरौली और सिंगरेनी इनकी अवस्थित कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित हैं ये आपको बताना है। तो फिलहाल इसका सही जवाब ऑप्शन, मतलब सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं, तलचिर जो है ये महानदी घाटी पर स्थित है, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली गोदावरी घाटी और सिंगरेनी जो है ये सोन घाटी पर स्थित है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था यूपी पीसीएस 2019 के अंतर्गत। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कैसे कम होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, चार विकल्प हैं, सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, पश्चिम से उत्तर की ओर, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल होता है, निचले मार्ग में खारा जल होता है, यह लूनी नदी है, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो लूनी नदी अराली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम में प्रभावित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है, इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर बालोटरा तक मीठा है, लेकिन बालोटरा जिसको बारमेर भी कहते हैं, तो बारमेर के बाद इसका पानी खारा होता चला जाता है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, कृष्णा गोदावरी, महानदी, बंगाल या कावेरी डेल्टा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा का हिस्सा है मोरीबंद डेल्टा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है, दोबारा से बताता हूं, बंगाल डेल्टा। और निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, दाम, देसाई, दीवान और जरीब, तो यहां पर दाम क्या है, देसाई, दीवान और जरीब क्या है, दाम ताम की मुद्रा होती थी ये सही है, देसाई राजस्व अधिकारी होते थे ये भी सही है, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था ये भी सही है, जरीब क्या होता है, जरीब भूमि नापने की एक इकाई होती है, कोई टैक्स नहीं होता, कर मतलब टैक्स, तो टैक्स नहीं है ये, जरीब क्या होता है, अच्छा गांव में अभी भी जब आप लेखपाल आते हैं जमीन वगैरह नापते हैं तो वहाँ पर जो एक लोहे की सिकड़ी का प्रयोग करते हैं वो उसको भी जरीब ही कहते हैं, ठीक है। तो जरीब जो है यह भूमि नापने की एक इकाई है, तो सही सुमिलित विकल्प डी नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। सूची को सुमिलित करिए, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध और अमीर खुसरो ने लिखा है आसिका, ये इसमें से गलत क्या कौन सा है, कोई गलत नहीं है, सभी यहाँ पर सही है, मैंने पहले से इसको सही कर दिया था, लेकिन याद रखना आप कि मुल्ला दाऊद ने लिखा है चंदायन, दामोदर कवि ने लिखा है पद्मावती कथा और सोमनाथ ने लिखा राग विबोध, अमीर खुसरो की रचना है आसिका। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, तो तानसेन का संबंध अकबर से था ये तो आप जानते हैं, लेकिन अकबर के पूर्व तानसेन किसके दरबार में रहते थे ये प्रश्न पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी हाँ, ऑप्शन ए, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तो तानसेन पहले शेरशाह सूरी के पुत्र दौलत खां सूरी के दरबारी गायक नियुक्त हुए, दौलत खां के बाद बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ नियुक्त हुए, अकबर ने 1562 में राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ से तानसेन को दिल्ली बुलवाया था। तो फ्रेंड्स ये हो गए 25 प्रश्न और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनको करेंगे डिस्कस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, ये बताओ कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है,
द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। यहाँ पर चार विकल्प हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।